हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर राजपूत आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाई फाई स्टडी में। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आपसे पिछली क्लास में भी हमने फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में बात की थी। आज जो है उसके सारे पार्ट्स को हम एक बार कवर अप कर लेंगे। इसके बाद में फोर स्ट्रोक इंजन के पार्ट्स हम बिल्कुल नहीं लेंगे। अगली क्लास में जो है आपके और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके ऊपर हम उनके आगे हम बात करना शुरू कर देंगे। तो आज लास्ट टाइम हम इसको एक बार और कवर अप कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसमें जो भी आपके प्रॉब्लम हो वो आप मेरे को तुरंत ही चैट के माध्यम से बता देना। तो ज़रा देखते हैं भाई, फोर स्ट्रोक इंजन में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं कि भाई हमारा मूवमेंट क्या बोलता है। तो मूवमेंट को थोड़ा फास्ट ले रहे हूँ आज क्लास को, क्योंकि पिछली बार भी मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक बार हल्का सा रिवाइज़ कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। हाँ जी, तो ध्यान सुनिएगा। देखो, मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक बार नाम दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। पहले नंबर पर जो आपका आता है, ये आता है आपका सिलेंडर। ये आपका क्या है? सिलेंडर है। ये वाला भाग जो है आपका सिलेंडर है। ये जो है आपका सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर एक बेलनाकार पात्र होता है, बेलनाकार भाग होता है, जिसके अंदर मूवमेंट पिस्टन मूवमेंट करता है। पिस्टन जो गति करेगा वो करेगा हमेशा टीडीसी से बीडीसी। पिस्टन जो हमेशा मूवमेंट करेगा वो करेगा टीडीसी से बीडीसी। पिस्टन हमेशा मूवमेंट करेगा टीडीसी से बीडीसी। टीडीसी से बीडीसी जो मूवमेंट करता है इसे बोलते हैं स्ट्रोक। टीडीसी से अगर एक बार पिस्टन बीडीसी की तरफ आ जाए तो उसे बोलते हैं एक स्ट्रोक। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट पर चलते हैं भाई। अब इस इंजन का नाम क्या है? इस इंजन का नाम है फोर स्ट्रोक इंजन। और फोर स्ट्रोक इंजन की अगर हम बात करें, टीडीसी से बीडीसी के बीच में ये दूरी तय करेगा वो दूरियां तय करेगा चार बार। भाई कौन कितने बार दूरियां तय करेगा? चार बार। एक बार सक्शन होगा, फिर दूसरी बार कंप्रेशन होगा, तीसरी बार पावर होगा, और लास्ट में क्या रहेगा? एग्जॉस्ट रहेगा। अब इन चार स्ट्रोकों में जब ये दूरियां तय करेगा, एक बार टीडीसी से बीडीसी आएगा, फिर बीडीसी से टीडीसी, और फिर टीडीसी से कहाँ आएगा? बीडीसी। सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, लास्ट में क्या होगा आपका? एग्जॉस्ट होगा। अब जरा समझते हैं, अगर पिस्टन एक बार टीडीसी से कहाँ आता है? बीडीसी आता है। तो जरा समझना मेरी बात को, यहाँ से यहाँ आएगा, यानी पहले ये वाले शाफ्ट कहाँ थी? ऊपर के साइड थे, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जो मैं आपको यहाँ से बता रहा था। देखिए, ये अगर हम पवन चक्की का एग्जांपल लें तो इसमें पीछे की साइड यू टाइप का बेंड है। ये वाली जो जगह है वो यू टाइप का बेंड है, और यू टाइप के बेंड के अंदर अगर हमने कोई पिस्टन लगा रखा है तो वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ से आपका, जैसे हम इस पवन चक्की घूमना शुरू करेगी, पिस्टन ऊपर और नीचे चलेगा। ये यू टाइप का बेंड अभी नीचे की साइड है, फिर कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड से फिर कहाँ आएगा? नीचे की साइड। कुल मिलाकर के पिस्टन इस तरफ प्रत्यागामी रेस्केप रोटेटिंग गति करता रहेगा, और ये वाली जो शाफ्ट है जिसमें यू टाइप का बेंड है, ये वाली शाफ्ट हमेशा क्या करेगी? घूर्णन गति करेगी। वो कुछ इस तरीके से हमेशा ये वाली शाफ्ट क्या होती रहेगी? घूमती रहेगी। अब जरा देखते हैं यहाँ पर पिस्टन में, इसमें इंजन में किस तरीके से। तो आपको ये वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है वो है क्रैंक शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट है? क्रैंक शाफ्ट।
शाफ्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट में यू टाइप का बेंड है, और यू टाइप का बेंड है तो पिस्टन ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, सॉरी पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर से उठ करके कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जरा हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण का, कोण जो है वो कंप्लीट होगा, कितने डिग्री का एंगल कवर अप होगा एक बार जब क्रैंकशाफ्ट टीडीसी से चल के, क्रैंकशाफ्ट देखो भाई पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है बिल्कुल बात सही है, लेकिन ध्यान रखना क्रैंकशाफ्ट के आरपीएम भी, यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट के लिए ये वाला पॉइंट बीडीसी है, ये वाला पॉइंट क्या है बीडीसी है, ये वाला पॉइंट क्रैंकशाफ्ट के लिए, आप तो समझ लो, सुन लो यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट यहाँ क्रैंकशाफ्ट के लिए क्या है बीडीसी है, और ये वाला जो ये जब शाफ्ट कहाँ चली जाएगी ऊपर की साइड आ जाएगी, तो ऊपर की साइड आने के बाद में ये वाला पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जब ये शाफ्ट ऊपर की तरफ रहेगी तब ये वाला पॉइंट हो जाएगा टीडीसी, यानी क्रैंकशाफ्ट टीडीसी से बीडीसी की तरफ चल रही है। जब क्रैंकशाफ्ट टीडीसी से कहाँ की तरफ जाएगी, जब क्रैंकशाफ्ट एक बार टीडीसी से, ध्यान से समझना ये मैं यहाँ ले रहा हूँ, जब क्रैंकशाफ्ट टीडीसी से इस वाले पॉइंट से बीडीसी की तरफ जाएगी, बीडीसी जाएगी तो देखिए ये यहाँ से चलना शुरू होगी, ये बीच में जर्नल वाला पार्ट है, यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, तो आपको फिर क्या बताना है 180 डिग्री का। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चार स्ट्रोक जब कंप्लीट होते हैं तो चार स्ट्रोक में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, यानी कि अगर एक बार सक्शन होता है, एक बार क्या होता है सक्शन होता है, तो सक्शन में क्या होगा पिस्टन आएगा टीडीसी से बीडीसी, इसमें 180 डिग्री है ना, और ऐसा करके ये है ना सभी चारों स्ट्रोकों में चलेगा इनटू फोर, यानी चार बार चलेगा 180, तो ये कुल मिला कर कितना आता है 270, ये कुल मिला के कितना आता है 720 डिग्री है ना, 720 डिग्री भाई, कितना डिग्री आएगा 720 डिग्री। अब देखो 720 डिग्री यानी कि कौन चलेगा क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट सबसे पहले टीडीसी से कहाँ आएगी बीडीसी, यानी काम किसका होगा सक्शन का, फिर कहाँ जाएगी टीडीसी से बीडीसी, काम किसका होगा कंप्रेशन का, कंप्रेशन के बाद में फिर क्या होगा, फिर टीडीसी से कहाँ आएगी बीडीसी आएगी, फिर क्या मिलेगी हमें पावर मिलेगी, क्या मिलेगी पावर मिलेगी, और पावर के बाद में सबसे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा एग्जॉस्ट, और पिस्टन फिर दोबारा अपनी सेम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। जरा इसको दूसरी नेक्स्ट अगले उसमें देखते हैं भाई किस तरीके से वर्क करेगा। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल 720 डिग्री का यहाँ पर एंगल कंप्लीट किया किसने, क्रैंकशाफ्ट ने कंप्लीट किया। अब जरा मैं आपको बता देता हूँ भाई कुछ इस तरीके से क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट करती है अपने, भाई ऊपर वाला भाग है टी डी सी और निचला भाग है कौन सा बी डी सी, नॉर्मल अभी जो मैं अभी वाल्व टाइमिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चे सोच सकते हैं कि ये वाल्व टाइमिंग स्टार्ट होगा, नहीं वाल्व टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बस फिर मैं आपको क्रैंकशाफ्ट के मूवमेंट बता रहा हूँ भाई। टीडीसी से बीडीसी ये रहा पॉइंट, क्रैंकशाफ्ट यहाँ से चलना शुरू होगी, यहाँ से चलना शुरू होगी, क्रैंकशाफ्ट यहाँ से चलना शुरू होगी, यहाँ से यहाँ आएगी, काम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका सक्शन का, सक्शन के बाद में यहाँ से जब ये यहाँ जाएगी तो काम होगा कंप्रेशन का, कंप्रेशन के बाद में जब ये यहाँ से यहाँ आएगी तो काम होगा पावर का, और यहाँ से जब यहाँ जाएगी तो काम हो जाएगा एग्जॉस्ट का, यानी कि जब हम यहाँ से चलना शुरू हो और यहाँ से राउंड अराउंड घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक जो राउंड कंप्लीट किया वो था एक राउंड, इसके बाद में फिर यहाँ से फिर दोबारा यहाँ तक पहुँचे तो हमारे कितने राउंड कंप्लीट हो गए, तो हमारे जो राउंड कंप्लीट हुए वो हुए दो राउंड कंप्लीट, यानी कि अगर हम बात करें तो क्रैंकशाफ्ट जो है वन साइकिल में क्रैंकशाफ्ट
क्रेंक शाफ्ट के द्वारा कितने डिग्री का या कितने डिग्री का घूर्णन होता है, तो आपको क्या बोलना है, 720 डिग्री का घूर्णन कितने डिग्री का हुआ, 720 डिग्री का, यानी राउंड कितने हुए, 2 राउंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई। अब अगला क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, होगा क्या, जब ये क्रेंकशाफ्ट 2 राउंड ले रही है, कितने राउंड ले रही है, 2 राउंड ले रही है, जब ये क्रेंकशाफ्ट 2 राउंड ले रही है, तो बताइए फ्लाईव्हील कितने राउंड लेगा, फ्लाईव्हील कितने राउंड लेगा, 2 राउंड फ्लाईव्हील लेगा, और जब फ्लाईव्हील 2 राउंड लेगा तो ये वाला गियर भी, ये गियर भी कितने राउंड चलेगा, 2 राउंड चलेगा, कितने राउंड चलेगा, 2 राउंड चलेगा, 2 राउंड चलेगा, और जब ये गियर 2 राउंड चलेगा, ध्यान समझना, जब ये गियर 2 राउंड चलेगा तो इस पर माना दांते कितने हैं, 100 दांते हैं, कितने दांते हैं, 100 दांते हैं, तो इसके जस्ट डबल हम किस पर बनाते हैं, इसके जस्ट डबल हम इस पर बनाएंगे केम शाफ्ट पर, किस पर बनाएंगे, केम, इसके जस्ट डबल हम किस पर बनाएंगे, केम शाफ्ट पर। ठीक है, होगा क्या, जस्ट डबल दांते बनाए हुए हैं, टीथ, ये क्या है, ये क्या है, टीथ। अब टीथ कितना है, इस पर तो कितने हैं, 100, और इस पर कितने हैं, 200। अगर ये 2 राउंड घूमेगी, ये कितने राउंड कंप्लीट करेगी, 2 राउंड, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि भाई होगा क्या, गियर गियर में मैच होकर के चलता है, एक गियर एक को पास आउट करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, इस तरीके से 100 दांते जब कंप्लीट होंगे, 100 टीथ जब चलेंगे, वो कितने राउंड में चलेंगे, 100 टीथ चलेंगे एक राउंड में, है ना, टीथ जो है, ये टीथ की वैल्यू अलग है ना, टीथ जब एक राउंड में चलेंगे तो ये एक राउंड में चलेंगे 100, और अगर हम इसमें 2 राउंड की बात करें तो 2 राउंड में क्या होगा, अगर हम इसका इंटू कर देंगे तो इंटू करने पर 100 इंटू तो कितना आ जाएगा, 200, तो कितने टीथ बन जाएंगे, 200, यानी कि अगर इसको 2 राउंड चला दें तो 2 राउंड चलाने के बाद में इसके टीथ कितने बन के कंप्लीट होते हैं, 200 एक राउंड में, क्योंकि ये छोटा गियर है, इस पे दांते कितने हैं, 100 ही हैं, तो सीधी सी बात है ये एक राउंड में इसके 100 दांतों को काटेगा लगभग, यानी कि इसके 100 यानी कि इसके आधे दांते को काटेगा, यानी आधा चक्कर घूम सकता है, जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो ये कुल मिलाकर ये कहा जाए, जब ये 2 बार घूमेगा तो इसको कितने बार घुमा देगा, एक बार घुमा देगा, यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्रेंकशाफ्ट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग कृपया करके इसमें गड़बड़ी मत करना, ये क्रेंकशाफ्ट है और ये केम शाफ्ट है और ये क्या है, क्रेंक, ये है क्रेंकशाफ्ट, ये है आपकी क्रेंकशाफ्ट, और क्रेंकशाफ्ट जो है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रेंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का घूर्णन अनुपात कितना होता है। ठीक है, क्रेंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का घूर्णन अनुपात कितना होता है, तो जब ये घूमेगी एक राउंड, जब ये घूमेगी कितना राउंड, एक राउंड, तो ये घूमेगी कितना, 2 राउंड, कितना घूमेगी, ये घूमेगी कितने राउंड, 2 राउंड भाई, ये घूमेगी कितना राउंड, 2 राउंड, अगर ये 2 राउंड घूम रही है तो सीधी सी बात है, अब वर्बली थोड़ा सा देखते हैं इसको, अगर ये 1 राउंड घूम रही है और ये घूम रही है 2 राउंड घूम रही है, ये अगर 2 राउंड घूम रही है, ये वाली क्रेंकशाफ्ट केमशाफ्ट 1 राउंड और क्रेंकशाफ्ट घूम रही है 1 राउंड और केमशाफ्ट कितना घूम रही है, क्रेंकशाफ्ट घूम रही है 2 राउंड, तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो 1:2 का क्या हो गया, अंतर हो गया, तो 1:2 तो मूवमेंट कितना होगा, 1:2 का रहेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब जो है अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, तो देखिएगा, अब हम देखेंगे वाल्वों के
ओपन होने वाले एंगल जो हमने कल देखे थे उसे एक बार मैं आपको हल्का और समझा देता हूँ, फिर हम चलने वाले हैं कार्बोरेटर की तरफ। ठीक है भाई, क्या था? इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व जो ओपन होता है भाई, शुरुआत में कौन सा वाल्व खुलता है? इनलेट वाल्व। और इनलेट वाल्व के लिए आपको मैं बता देता हूँ भाई, इनलेट वाल्व खुलता है 219 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए खुलता है? 219 डिग्री के लिए। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, पूछा जाता है भाई एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, वो खुलेगा 232 डिग्री के लिए। ओवरलैप जो होगा वो होगा 16 डिग्री के लिए। ये तीनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर, कई बार पूछे जा चुके हैं। और अगले पॉइंट पे आप लोग याद रखना, ये जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। कितने डिग्री के लिए ओपन? अब ये किस तरीके से ओपन होता है, क्या होता है, कितने मतलब किस एंगल पर कौन सा वाल्व खुलेगा, कौन सा बंद होगा, ये सारा वाल्व टाइमिंग का चैप्टर है। तो वाल्व टाइमिंग के अंदर हम इसको पढ़ लेंगे वैसे डिटेल के साथ में, लेकिन सिर्फ आपको अभी याद करना है धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कैम शाफ्ट, शाफ्ट और क्रैंक का, क्रैंक शाफ्ट का घूर्णन अनुपात पूछा जाएगा। तो केम आता है तो आपको बोलना है एक, और क्रैंक आता है तो आपको बोलना है दो। केम का मतलब बोले तो एक, क्रैंक का मतलब बोले तो दो। देखो भाई यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर एक का आ रहा है तो एक का आ रहा है तो आपको एक लगाना है, यहाँ पर दो का आ रहे हैं तो आपको क्या लगाना है? दो लगाना है। छोटी सी बात है, आप लोग हमेशा अपने माइंड में क्लियर करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। देखो अगला पॉइंट देखो भाई, क्या होगा? अब पूछा जाएगा एस आई इंजन का कंप्रेशन अनुपात। भाई कंप्रेशन रेशियो पूछा जाएगा, कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? पिस्टन जब यहां से, पिस्टन जब टीडीसी से कहाँ की तरफ जाता है, बीडीसी की तरफ जाता है, या तो कंप्रेस होती है अंदर की एयर, और अंदर की जब एयर कंप्रेस होती है, यानी जब पिस्टन यहाँ पर बीडीसी पर मौजूद होगा, कहाँ से चल के जाएगा? टीडीसी से चल के जाएगा, और कहाँ मौजूद होगा? बीडीसी पर मौजूद होगा। तो यहाँ से जो हमारा टोटल वॉल्यूम है, जितना हमने टोटल वॉल्यूम लिया हुआ है और कितना वॉल्यूम अब बचा है, इसका जो अनुपात है वो होता है कंप्रेशन अनुपात। आपने कितना इसको कंप्रेस किया। तो ऐसा ही इंजन के लिए विशेष तौर पर रखना, याद रखना 1:9 से 1:11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई। अभी हमने कंप्रेशन अनुपात की बात की थी, अब हम अगले पॉइंट पर देखते हैं भाई इंजन का तापमान। एस आई इंजन का तापमान, टेम्परेचर कितना रहता है? तापमान। तो आप हमेशा याद रखना एग्जाम में जब यहाँ से एस आई इंजन बोल देता है, देखो ध्यान रखना यहाँ पर इंजनों में सबसे कम टेम्परेचर होता है एस आई इंजन का। तो एग्जाम में हमेशा आप याद रखना इंजनों में सबसे कम टेम्परेचर होता है एस आई इंजन का, और एस आई इंजन का जो तापमान होना चाहिए वो अधिकतम अपने को याद रखना है। कितना याद रखना है? अधिकतम। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि यहाँ तो ये अधिकतम माना जाएगा, यहाँ तो ये अधिकतम माना जाएगा, लेकिन जब नॉर्मल वर्ड कभी एग्जाम में, देखो रेलवे में जो एग्जाम पैटर्न है मैं उसके अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन को आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है तो आपको क्या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए सीधे सीधे सिंपल शब्दों में आप क्वेश्चन को समझेंगे भाई क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। भाई जब भी ऐसा ही इंजन बोलेगा तो ऐसा ही इंजन का अधिकतम तापमान कितना होता है, तो आपको हमेशा बोलना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। लेकिन जब क्या कर देता है वो, जब ये एसआई को हटा देता है और बोल देता है कि भाई इंजन
इंजन का तापमान, इंजन का तापमान कितना होगा, इंजन का न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम से कम, कम से कम तापमान कितना होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो इंजन वर्ड करके क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा, न्यूनतम तापमान में कितना आएगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब भी SI पूछेगा तो ये कितना होगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब क्यों भाई ये क्यों होता है, ध्यान से समझना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो जल जाता है, अपने आप जल जाता है। तो अब हाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई पेट्रोल अपने आप जल जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर कौन जल जाता है, पेट्रोल अपने आप जल जाता है। तो पेट्रोल को ध्यान रखना, जो आपका SI इंजन होता है, जब पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले पॉइंट पर पहुँच जाएगा, जब यहाँ पिस्टन पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या हो चुका होगा कि भाई एयर और पेट्रोल, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ, एयर और पेट्रोल का मिश्रण पूरी तरीके से कंप्रेस हो चुका होगा, और इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट पर हमें कभी भी मिश्रण को जलने नहीं देना है। ये कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस होने के बाद में हमें इसे जलने नहीं देना है। इसको जलाने का काम जो है वो कौन करेगा, स्पार्क प्लग करेगा, और स्पार्क प्लग क्या लगाएगा, चिंगारी लगाएगा, और चिंगारी लगाने पर ये मिश्रण जलना चाहिए। तो भाई पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो अपने आप ही आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप पर पकड़ लेगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकड़ लेगा, से अधिक पर पकड़ लेगा। तो हमें 250 से क्या अधिक होने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम स्पार्क क्रिएट करने का काम किससे करेंगे, स्पार्क प्लग से करेंगे, यानी मिश्रण को जलाने का काम कौन करेगा, स्पार्क प्लग करेगा। अब स्पार्क प्लग अगर मिश्रण को जलाने का काम कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर हमेशा कितना होना चाहिए, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा क्या रहना चाहिए, कम, क्योंकि पेट्रोल अपने आप ही कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जाता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जाता है। अब सुनो मेरी बात, स्पार्क प्लग जब स्पार्क करेगा तभी ये क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अगर मान लो टेम्परेचर गलती से कितना हो गया, 250 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो स्पार्क प्लग की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, अपने आप ही ये जल जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर तो क्या है, पूरा साइकिल कंप्लीट करके, यानी पूरा पिस्टन TDC पर जा करके फिर रिवर्स BDC पर आएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पिस्टन अपने जब आधे रास्ते में होगा ना, पिस्टन जब अपने आधे रास्ते में होगा ना, तो पता है क्या होगा, ये इतना मिश्रण पहले से ही क्या हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा, और इसमें स्पार्क प्लग की स्पार्क लगने से पहले ही, स्पार्क प्लग की स्पार्क लगने से पहले ही, पहले ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रण जल जाएगा, इसकी स्पार्क नहीं लग पाई। इसमें तो स्पार्क लगी है, तब पिस्टन आराम से TDC तक पूरा कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद में फिर BDC की तरफ आया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर स्पार्क नहीं होगी तो क्या होगा, रास्ते में ही जब पिस्टन TDC पर पहुँच नहीं पाएगा, जब पिस्टन TDC पर पहुंच नहीं पाएगा, अभी आधा ही रास्ता कंप्लीट कर पाया है, यहाँ तक इसे पहुंचना था, नहीं पहुंच पाएगा, और रास्ते में ही पावर यानी कि ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होने के बाद में ऊपर ना पहुंच के आधे रास्ते से ही कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो क्रैंकशाफ्ट जो होगी आपकी नीचे की साइड, जो क्रैंकशाफ्ट होगी, तो क्रैंकशाफ्ट जो आगे आधे रास्ते तक तो ऊंचाई ऊपर तक गई, फिर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी आपका साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होगा, यानी इंजन कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के प्री इग्निशन कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, प्री इग्निशन। तो प्री इग्निशन का मतलब यह है कि इंजन का आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाना, और इंजन का आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर पिस्टन का पूरी तरीके से TDC पर ना पहुंचना, और TDC पर नहीं पहुंचेगा तो फिर वो तुरंत ही रिवर्स हो जाएगा। तो प्री इग्निशन में मामला गड़बड़ हो जाता है, इंजन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इंजन चलेगा नहीं, या फिर इंजन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि इंजन का टेम्परेचर कितना होगा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड
रेट से कम रहेगा, 250 से कभी भी SI इंजन का तापमान ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हमने बात कर ली SI इंजन में इसके टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर के बाद में अब हम बात करते हैं भाई SI इंजन के अंदर छोटा सा पॉइंट हम ले रहे हैं कार्बोरेटर का। किसका पॉइंट ले रहे हैं? कार्बोरेटर का, ठीक है। कार्बोरेटर भी SI इंजन का ही एक बहुत मुख्य भाग है। कार्बोरेटर के बिना ये इंजन वर्किंग ऑर्डर में कार्य नहीं कर सकता। अब कार्बोरेटर होता क्या है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबसे पहले नंबर पर हम भाई कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर जो है वो कार्बोरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। कार्बोरेशन जो है वो कार्बोरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कार्बोरेशन का सिद्धांत क्या कहता है, तो जरा यहाँ ध्यान से देखना। कार्बोरेशन सिद्धांत ये कहता है कि आपने देखो देखा भी होगा कि आजकल स्प्रे पेंटिंग का यूज़ किया जाता है ना, स्प्रे पेंटिंग को जरा जो किसान किसान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्होंने कीटनाशक दवाइयों के अंदर भी इस मशीन को कुछ इस तरीके से देखा होगा। तो जरा समझना होता क्या है कि भाई एक स्ट्रिप यहाँ डली होती है, ठीक है, और ये अंदर के साइड कुछ लिक्विड भरा रहता है ना, ये मैं कार्बोरेशन का सिद्धांत बता रहा हूँ। तो जरा होता क्या है, एक पंप रहता है, इस पंप से हम क्या करते हैं इसके ऊपर बहुत तेज स्पीड से क्या करते हैं एयर को फ्लो करते हैं। किसको फ्लो करते हैं? एयर को। जैसे ही हम एयर को यहाँ फ्लो करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ से क्या अंदर की साइड जो भी लिक्विड है ऊपर की साइड आएगा और ऊपर की साइड आकर के वो इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। यानी ये इसके अंदर क्या शुरू होने लग जाएगा, मिक्सअप होना शुरू होने लग जाएगा। यानी एयर के साथ में क्या मिल जाएगा आपको, जो भी आपका लिक्विड है वो लिक्विड फ्यूल मिल जाएगा। ये है कार्बोरेशन का सिद्धांत। कार्बोरेशन का सिद्धांत एग्जाम में किस तरीके से आएगा, कार्बोरेशन का सिद्धांत ये कहता है कि भाई पहले तो लिक्विड को यानी द्रव को छोटे छोटे कणों में तोड़ना और उसके बाद में उसे क्या कर देना, वाष्पित कर देना। वाष्पित करने का मतलब जब कोई लिक्विड किसमें, हवा में या गैस में जब पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं वाष्पित होना, ठीक है, पूरी तरह वेपोराइज हो गया अब ये यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो लिक्विड को क्या करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देना, तोड़ देना, उसके बाद में तुरंत ही इसको क्या कर देना, वाष्पित। अब ये ऑटोमेटिक वाष्पित हो जाएगा। आपने देखा वो पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ता है, बहुत तेज स्पीड से उड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाष्पित होगा तो ये सिद्धांत जो है वो किसका सिद्धांत कहलाता है, कार्बोरेशन का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह आप देखो तो उसके अंदर एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ से कि भाई कार्बोरेशन का सिद्धांत क्या है। पहले तो द्रव को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, उसके बाद में उसे वाष्पित करना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई, क्या होता है कार्बोरेटर के अंदर, क्या होता है? तो कार्बोरेटर के अंदर एक होती है वेंचुरी नली है ना। वेंचुरी नली कैसी होती है जरा समझना मेरी बात को, यहाँ पर वेंचुरी नली थोड़ी सी इस तरीके से रहेगी। ये यानी कि बीच वाला पार्ट थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें सकरा हो जाता है। यानी इधर की तरफ तो ये क्या रहेगा, सॉलिड पार्टीशन रहेगा और बीच में क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, है ना। और ऊपर की साइड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की साइड जो एयर हॉर्न रहेगा, एयर हॉर्न के ऊपर हम क्या रखेंगे, फिल्टर रखेंगे, एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर आपका अलग अलग तरीके का हो सकता है। एयर फिल्टर आपका ऑयल टाइप भी हो सकता है। एयर फिल्टर आपका ड्राई भी हो सकता है, ड्राई एयर फिल्टर भी हो सकता है। तो एयर फिल्टर के थ्रू यहाँ से इस वाले पोर्शन में यहाँ पर आपका एयर फिल्टर लगा हुआ, एयर फिल्टर से यहाँ से कौन अंदर आएगी, एयर के अंदर आती सबसे पहले यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है चौक वाल्व। ये क्या मिलता है आपको, चौक वाल्व, है ना। ये आपको क्या मिलेगा, चौक वाल्व मिलेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम देखते हैं जरा, देखो होगा क्या, ऊपर की साइड मैंने आपको यहां बता दिया, इस जगह क्या रहेगा, ऊपर की साइड यहां क्या रहेगा, फिल्टर रहेगा, एयर फिल्टर रहेगा। एयर फिल्टर से क्या आएगी, हवा आएगी, हवा को
के बाद में क्या मिलने वाला है, चौक वाल मिलने वाला है, चौक वाल के बाद में ये वाला आपका पार्ट क्या आ गया, वेंचरी नली का सकरा वाला पार्ट आ गया, सकरे वाले पार्ट में यहाँ पर इसके बीचों बीच यहाँ पर एक मेन जैकेट या नोजल होगा, और ये जो नोजल रहेगा वो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की साइड इस तरीके से पॉइंट रहेगा, बहुत मिनिमम बहुत ही कम पॉइंट खुला हुआ पॉइंट रहेगा, ये चौक वाल्व है ना। यहाँ से जैसी हवा आएगी, जैसी यहाँ पर हवा आएगी तो ये हवा पहले तो यहाँ पर बड़े बहुत ज़्यादा बड़े एरिया से हवा आ रही थी, और जैसे हवा नीचे की साइड आएगी तो नीचे की साइड आने के बाद में एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और एरिया कम होने के कारण, एरिया कम होने के कारण सीधी सी बात है जैसी हवा यहाँ से टकरा करके निकलेगी, जैसी हवा यहाँ से टकरा करके निकलेगी, तो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसी हवा यहाँ से आएगी, जैसी हवा यहाँ से क्या होगी आएगी, जैसी हवा यहाँ से आएगी तो यहाँ से आने के बाद में हवा जैसे यहाँ पर टकराएगी तो ऑयल क्या नाम है जो भी आपका लिक्विड यहाँ भरा हुआ है वो लिक्विड को उसमें साथ ले करके जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे जरा कार्बोरेटर में इस वाले पॉइंट के अंदर होगा क्या, जैसी हवा यहाँ पर आएगी तो होगा क्या, यहाँ पर ये कार्बोरेटर का जो अगला जो पॉइंट है ये आपका लगा हुआ है फ्लोटर चैम्बर से, किससे लगा हुआ है फ्लोटर चैम्बर, ये वाला जो पार्ट है वो है फ्लोटर चैम्बर, ये वाला जो पार्ट है आपका ये है आपका फ्लोटर चैम्बर, और फ्लोटर चैम्बर में इस तरीके का ये पॉइंट आपका यहाँ पर ये आपका ये पेट्रोल टैंक से जुड़ा हुआ है ना, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है टैंक से, तो पेट्रोल टैंक में क्या भरा हुआ, पेट्रोल भरा हुआ, पेट्रोल का प्रेशर कहाँ है, देखो भाई जब इंजन चल रहा होगा, जब इंजन किसके वर्किंग ऑर्डर में होगा तो होगा क्या, यहाँ से क्या रहेगा पेट्रोल इस जगह से इस जगह यहाँ भरा रहेगा, जब तक पेट्रोल का लेवल क्या रहेगा, यहाँ पर ये जो पेट्रोल भरा हुआ है इस पेट्रोल की खपत यहाँ होती रहेगी, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो भाई यहाँ से पेट्रोल क्या होगा निकलेगा, यहाँ से पेट्रोल क्या होगा निकलेगा, और जब यहाँ से पेट्रोल निकलेगा तो एयर के साथ में ये एयर है आपकी, ये एयर है, इस एयर के साथ में ये क्या मिक्स हो जाएगा, पेट्रोल आपका मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एयर और पेट्रोल का अनुपात आपसे पूछा जाएगा, एयर और पेट्रोल का अनुपात पूछा जाएगा, या तो आपसे शब्द बोलेगा एस आई इंजन, या तो आपसे शब्द बोलेगा क्या एस आई इंजन बोलेगा, या फिर आपसे बोलेगा जेट इंजन। भाई एस आई इंजन को ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नोजल को ही जेट कहा जाता है, तो इसे यहाँ पर क्वेश्चन जेट इंजन के नाम से भी पूछा जा चुका है कई बार, तो जरा ध्यान से सुनना, एस आई इंजन में एयर और पेट्रोल का अनुपात या जेट इंजन में एयर और पेट्रोल का, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना एयर रहेगा पार्टिकल 15 मतलब 15 भाग रहेंगे, 15 भाग के बाद में जो आपका पेट्रोल रहेगा वो पेट्रोल आपका रहेगा 1 पार्ट, कितना रहेगा 1 भाग, तो एयर का आपका कितना भाग रहेगा 15 भाग रहेगा, और पेट्रोल का भाग कितना रहेगा 1 भाग रहेगा, ये हमेशा आप ये फिक्स है, इसको याद रखना एग्ज़ाम में कई बार प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में पिछली क्लास में आपसे कहा था, किसी भी बुक के आप खरीद लीजिए, और खरीदने के बाद में आप उसमें ये सारे क्वेश्चन आप देखो, एयर और पेट्रोल का अनुपात पूछता है तो बोलना है 15:1, ठीक है, ये क्या 15:1 ही क्यों बोला गया, तो ध्यान समझो 15:1 जो है वो आपका 15:1 जो है वो आपका एक तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है, ये पर्टिकुलर फिक्स अभी आंसर मैंने आपको बताया एग्ज़ाम में, ये पर्टिकुलर फिक्स आएगा कि बताओ ऐसा इंजन में एयर और पेट्रोल का रेशियो कितना होता है, आपको बोलना है 15:1 15:1, तो भाई होगा क्या, ये एक तो इसकी जो दक्षता है यहाँ पर 15:1 की जो दक्षता है रासायनिक दृष्टि से सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा जो अपने फ्यूल जो कम्बक्शन होगा वो फ्यूल का जो खर्च आएगा वो इस रेशियो पे क्या आएगा कम आएगा, सामान्य गति मिलती है, उच्च दक्षता मिलती है, सामान्य गति मिलती है, और रासायनिक दृष्टि से क्या है बहुत अच्छा है,
इससे आपका वर्किंग प्रिंसिपल वर्किंग ऑर्डर में जो इंजन है उसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार की कमी नहीं आई। अगर आप बात करते हैं भाई हमारे को क्या नाम है आपके एक फिक्स एवरेज, एक अच्छा एवरेज निकालना है गाड़ी का, तो 15 रुपया। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, होगा क्या भाई, अगर हम बात करते हैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से चलाने की, भाई हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से चलाने की बात करते हैं, तो उस समय पर भी हमारा पेट्रोल का कंबक्शन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अगर हम करते हैं बात बहुत धीरे चलाने की, तो भी हमारा पेट्रोल का जो कंबक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। होता क्या है, दोनों कंडीशंस में इंजन के अंदर जब पेट्रोल जाता है, तो पेट्रोल जाने के बाद में अंदर की तरफ जब हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में हैं, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में, बहुत ज़्यादा हमने थ्रोटल खोल रखा है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, ज़्यादा फ्यूल का कंबक्शन होगा। जब ज़्यादा फ्यूल का कंबक्शन होगा तो इंजन की बॉडी गर्म होगी, और इंजन की बॉडी गर्म होगी तो गर्मी तो हमें पेट्रोल से ही मिलती है, तो सीधी सी बात है जब वो आपका इंजन की बॉडी गर्म होगी तो एनर्जी जो है वो अंदर से, इंजन के अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो हमारी जो हीट है, क्योंकि मेन तो हीट हमें पेट्रोल से मिल रही है, पेट्रोल से जो हीट मिली वही हमने क्या कर दी, खुले वातावरण को दे दी, तो हमारी दक्षता, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि हमारा जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम बहुत कम स्पीड से बात करते हो तो ध्यान से सुनना, इंजन की बॉडी है, इंजन की बॉडी को चलने के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे मैंने ऐसा इंजन के अंदर बता दिया 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका एक ही आंसर है 250। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो रहा है ऐसा इंजन के अंदर तो ठीक है। अगर ऐसा इंजन के अंदर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम है तो इंजन उसके टेम्परेचर को बनाने के लिए क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है। अब वो कम कैसे होता है, तो ध्यान सुनना, आप बहुत धीमे स्पीड में चल रहे हो और धीमे स्पीड में चलने के बाद में क्या होगा, बाहर के खुले वातावरण की जो हवा है वो इंजन को क्या करती है, ठंडा करती है। अब इंजन को ठंडा करती है, इंजन की बॉडी ठंडी हो जाएगी, तो इंजन की बॉडी को वर्किंग ऑर्डर में रहने के लिए उतना अपने आप को हीटअप करना ज़रूरी होगा, उतना आपको इंजन को हीटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, और उस कंडीशन में आपको क्या रहेगा, आपका नुकसान होगा। एक आपने देखा होगा इंजन में एक किसी भी व्हीकल के अंदर एक आइडियल स्पीड होती है कि भाई इस आइडियल स्पीड पर अगर आप चलाओगे तो आपका फ्यूल कम्बक्शन जो है, फ्यूल कम्बक्शन जो है वो क्या होगा, आपका एक लिमिटेड होगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, लिमिट से होगा, तो कुल मिलाकर के कहा जाए आपका, यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो हमारी नॉर्मल बाइक्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा इंडिकेटर के ऊपर 30 से 50 किलोमीटर पर हावर, है ना, किलोमीटर पर हावर ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने। तो किलोमीटर पर हावर ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, इस पर आपकी फ्यूल का जो है ना, फ्यूल का जो खर्च है वो बहुत कम आने वाला है, और ये आपको कब मिलने वाला है, जब आपका 1:15 के रेशियो पर गाड़ी चलने वाली है। अब देखो अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। देखिए भाई, हाँ नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें होगा क्या, तो आपको ये समझ में आ गया पेट्रोल हवा का रेशियो कितना होगा, पेट्रोल हवा का रेशियो होगा 1:15। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता है आपका थ्रोटल वाल्व। अब जो आएगा आपका थ्रोटल वाल्व, मैंने आपको बताया था, पूछा था मैंने आपसे पहले भी पिछली क्लास में कि भाई इंजन में कितने वाल्व होते हैं, तो इंजन में कितने वाल्व होते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये कितने वाल्व होते हैं, यहाँ पर 3 इंच, किसी भी इंजन की बात करें तो इंजन के अंदर 3 वाल्व होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, 3 वाल्व होते हैं। यहाँ से मेन सप्लाई जो गई हुई है, यहाँ से एक तरीके से ये जो गया हुआ है वो पार्ट, वो आपका कहाँ गया हुआ है, इंजन के इस वाले भाग के अंदर, यहाँ पर जो आपका इनलेट वाल्व होता है, इस इनलेट वाल्व के ऊपर गया हुआ है, ये वाला जो भाग है वो कहाँ, ये वाला जो भाग है, ये सारा का सारा ये वाला भाग जो है वो कहाँ गया हुआ है, आपका इनलेट वाला जो पार्ट होता है। लो मैं इससे जोड़ ही देता हूँ आपको, ताकि आप इस बात को पूरी तरीके समझ जाओ। वैसे ये थोड़ा नीचे होगा, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है
वो इस तरीके से इंजन के किसी दूराई तक, एक निश्चित दूराई तक यह हो यहाँ पर होगा। अब होगा क्या, देखिए होता क्या है यहाँ पर, जब ये पिस्टन क्या करता है, मूवमेंट करता है, जब ये पिस्टन क्या 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 करता है, मूवमेंट करता है। तो पिस्टन जब ये मूवमेंट करता है तो ध्यान सुनना, जब पिस्टन नीचे की साइड जाएगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, तो ये वाला वाल्व जो होगा वो ओपन कंडीशन में आ जाएगा। ये वाल्व किस कंडीशन में आ जाएगा, ओपन कंडीशन में आ जाएगा। बाहर से एयर और पेट्रोल का मिश्रण आएगा, और एयर पेट्रोल का मिश्रण कहाँ से आने वाला है, इस वाली जगह से आने वाला। और ये जो थ्रोटल है, ये यहाँ पर एक स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग के माध्यम से आपके एक्सीलरेटर तक। अब अपन बाइक के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, तो बाइक के अकॉर्डिंग एक्सीलेटर यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये आपका थ्रोटल स्विच है, थ्रोटल स्विच को जैसे ही आप क्या करते हो, खींचते हो, तो थ्रोटल वाल्व आपका क्या होता है, खुलता है। अब सुनना मेरी बात, थ्रोटल वाल्व होता कैसा है देखने में भाई, कोई जैसे मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है वो कैसी है, बेलनाकार है। कैसी है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल टाइप है। और सिलेंड्रिकल टाइप है तो सीधी सी बात है, ज़रा देखना ये ऊपर की साइड से कैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप है, ये इस तरीके से गोल है। और ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ ना, ये भी गोल है। अगर मान लीजिए ये पूरी तरीके से, देखना जरा, समझना मेरी बात को, ये गोल है, ठीक है, ठीक है। और अगर ये पूरी तरीके से इसके सामने इस तरीके से, ये वाला पार्ट पूरी तरीके से इसके सामने इस तरीके से आ जाएगा, तो इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, पूरी तरीके से इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। जहाँ समझना मेरी बात को, ये वाला भाग तो सिलेंडर है, और सिलेंडर होने के बाद में ये वाला भाग अंदर वाला, ये वाला जो भाग है, ये थ्रोटल वाल्व है, ये थ्रोटल वाल्व है ना, थ्रोटल वाल्व है। जब ये पूरी तरीके से इसके सिलेंडर के अंदर आ जाएगा, दोबारा से और देख लो, जब ये बेलनाकार है, बेलनाकार में अगर ये पूरी तरीके से इस तरीके से ही इसके सामने आ जाएगा, तो ये इस आने वाली जो एयर है उसको क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कर रखा है, तो तिरछा कर रखा है तो सीधी सी बात है, अब ये तिरछा होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये इसका साइज़ क्या होता जाएगा, इस तरीके से बड़ा होता चला जाएगा, जैसे 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 इसका साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यानी अब ये थोड़ा तिरछा हो गया है। मतलब इस तरीके की ट्यूब है, अगर ये इस तरीके से इसको पूरा तरीके से क्या कर लेगी, बंद कर लेगी इसको, ये ट्यूब है, बेलनाकार ट्यूब है, इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से बंद कर देंगे, तो फिर फ्लो नहीं होगा अंदर की साइड। और अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर दें, तिरछा कर दें, तो इसके आस पास से क्या हो जाएगी, हवा आना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए, ये जो थ्रोटल वाल्व है, ये थ्रोटल वाल्व क्या करता है, आने वाली जो एयर है उसको रोकना, एयर और पेट्रोल के मिश्रण को क्या करना, रोकना। और रोकने के बाद में एक निश्चित मात्रा में, जिस हिसाब से आप इसको ले जाना चाह रहे हो, ये आपका थ्रोटल स्विच है, इसको आप जिस हिसाब से आप क्या करोगे, खोलोगे, उस हिसाब से ये क्या होगा, ये ऊपर की साइड जाएगा हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड आएगा, और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। ये अपनी ही एक निश्चित पोजिशन पर यहाँ पर यह क्या होगा, ऊपर और नीचे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ऊपर और नीचे इस तरीके से ये जब क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करने पर इसके साइड में से एयर और पेट्रोल का मिश्रण क्या होता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा उधर की तरफ से इधर। तो कुल मिलाकर कहा जाए, एयर और पेट्रोल के मिश्रण को कंट्रोल करने का काम एस आई इंजन के अंदर एयर और पेट्रोल के मिश्रण को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, थ्रोटल वाल्व करेगा। कौन करेगा, थ्रोटल वाल्व, अच्छा। एक और बात आप यहाँ पर याद रखना भाई, करेगा कौन, थ्रोटल वाल्व। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। होता क्या है, अगर एग्जाम पूछा जाता है और पूछा जा चुका है कि भाई ये बताओ, एस आई इंजन की गति को किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एस आई इंजन की गति को भी किससे नियंत्रित किया जाता है, थ्रोटल वाल्व से, ठीक है। यहाँ से एयर और पेट्रोल का मिश्रण इस रास्ते से होता हुआ कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर एयर और पेट्रोल का मिश्रण जब यहाँ पहुँचेगा तब इसका कम्बशन होगा। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं भाई होता क्या है, हवा जब बाहर से आती है तो इस पर दबाव बनाती है, और इस जगह से आपका क्या आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है। और पेट्रोल जब यहाँ से आ रहा है, जब पेट्रोल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो सीधी सी बात है, ये वाला जो फ्लोट है, फ्लोटर मतलब
फ्लोटर का मतलब तैरने वाला है ना, तो ये फ्लोट कर रहा है, अभी ये तैर रहा है। अगर मान लो इंजन चालू है और पेट्रोल यहाँ से निकल रहा है, तो सीधी सी बात है ये वाला फ्लोटर क्या रहेगा, नीचे की साइड रहेगा। फ्लोटर जब नीचे की साइड रहेगा तो रेगुलरली यहाँ से फ्यूल आता रहेगा, रेगुलरली यहाँ से क्या आता रहेगा, फ्यूल आता रहेगा। अब ध्यान समझो मेरी बात को, जब फ्यूल यहाँ से रेगुलरली आता रहेगा तो इंजन हमारा चालू बना रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम इंजन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, जैसे ही हम इंजन को क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो यहाँ से फ्यूल आना जो होगा, जो यहाँ से जो फ्यूल आना जो है, जब यहाँ से फ्यूल निकलना बंद हो जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ फ्यूल का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फ्यूल का जब लेवल यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। फ्यूल का जब लेवल आपका यहाँ बढ़ेगा तो ये वाली जो पॉइंट है, ये जो फ्लोट है, फ्लोटर जो है, ये फ्लोटर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी, और ऊपर की साइड जा करके इस वाले पॉइंट को ये क्या कर देगी, पूरी तरीके से क्या कर देगी, लॉक कर देगी। इस तरीके से ये क्या कर देगी, पूरी तरीके से ऊपर की साइड जब ये जाएगी तो इसको पूरी तरीके से क्या कर देगी, लॉक कर देगी। तो जो पेट्रोल ऊपर की साइड से आ रहा है, जो पेट्रोल यहाँ से आपका, पेट्रोल जो यहाँ आपका आ रहा है, वो पेट्रोल आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब पेट्रोल यहाँ पर आना हो जाएगा तो सीधी सी बात है इंजन में यहां से निकल ही नहीं रहा है, तो वहां पेट्रोल आना। अगर मान लो ये नहीं होता, अगर मान लो ये वाला भाग नहीं होता, तो फिर क्या होता, पेट्रोल वहां से डायरेक्टली सीधा सीधा टैंक में से, जो आपका पेट्रोल टैंक है, उस पेट्रोल टैंक में से पेट्रोल सीधा ही इस रास्ते से होता, वो कहां पहुंच जाता, से आपके सिलेंडर के अंदर पहुंच जाता। तो कुल मिलाकर कहा जाए फिर मामला आपका क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हम अगली स्लाइड पर देखते हैं भाई क्या होता है अपने। जब हमारा इंजन ठंडा होता है, जब हमारा इंजन ठंडा होता है, जरा दो सेकंड की बात और है, इसको जरा देख लो। जब हमारा इंजन ठंडा होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चौक वाल्व को लगा देते हैं, यानी ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। देखिए कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी चौक वाल्व की, भाई चौक वाल्व जो मैंने यहाँ बनाया वो देखो इस तरीके से बंद कर देगा, इस रास्ते को क्या कर देगा, पूरी तरीके से क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये चौक वाल क्या हो जाएगा, इसको पूरी तरीके से रास्ते को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब रास्ते को बंद कर देगा तो ऊपर से क्या आना बंद हो जाएगी, हवा आना बंद हो जाएगी। और जब हवा आना बंद हो जाएगी तो सीधी सी बात है, जब हवा आना बंद हो जाएगी तो सीधी सी बात है प्रेशर किस पर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा आपका नोजल पर। किस पर प्रेशर पड़ेगा, नोजल पर। और नोजल पर जब प्रेशर पड़ेगा तो हवा की मात्रा तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और प्रेशर जो हवा की मात्रा जो है वो घट जाएगी, और मात्रा किसकी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई बता दो एक बात, ये बताओ कि भाई ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, तो आपको बोलना है चौक सर्किट का यूज होता है, ठीक है। आपको क्या बोलना है, चौक सर्किट है। अब सुनो अगला पॉइंट पे हम चलते हैं, देखिए क्या होगा भाई, होगा क्या कि अगर हम ठंडे इंजन को स्टार्ट करने की बात करते हैं, किसे इंजन को स्टार्ट करने की बात करते हैं, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो ठंडे इंजन जब स्टार्ट होगा तो हमारे को पेट्रोल और हवा का रेशियो मिलेगा, हमारे को पेट्रोल और हवा का रेशियो मिलेगा, वो मिलेगा 1:1 से 1:7 का। ठंडा इंजन स्टार्ट होगा तो कितना मिलेगा, 1:1 से 1:7 का, ठंडे इंजन स्टार्ट होने पर 1:1 से 1:7 का। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर ये हो गया, दूसरे नंबर पर अब भाई अभी तक इंजन स्टार्ट नहीं था, अब स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट होने के बाद में अब ये रेशियो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1:9 से 1:12, कितना हो जाएगा 1:12। अब ये क्या होता है, जो ऐसी जब इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, और अगर लोड की पोजीशन में, अगर कैसी पोजीशन में, लोड की पोजीशन में है, चढ़ाई वाली स्थिति है, चढ़ाई वाली स्थिति है, यानी आप ओवरलोड हो रहे हो, या चढ़ाई वाली स्थिति यानी कि आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ रहे हो आप किसी व्हीकल को लेकर के, तो आपका पेट्रोल और हवा का जो रेशियो होगा, एयर प्लस पेट्रोल की परास, ठीक है। तो एयर और पेट्रोल की जो परास है वो कितनी, 1:1 से 1:7 क्या है, ठंडे इंजन में, किसमें, ठंडे इंजन में, ये ध्यान रखना है। ठंडे इंजन का पूछेगा तो 1:7 बोलना है। अगर लोड या चढ़ाई वाली स्थिति की बात करता है तो 1:9 से 1:12 क्या बोलना है, 12 बोलना है। तीसरे नंबर पे आप याद रखना, अगर बोलता है उच्च दक्षता,
अगर आपसे क्या बोल देता है उच्च दक्षता, तो आपको बोलना है एक अनुपात, तो आपको क्या बोलना है जब आपसे बोलता है उच्च दक्षता तो एक अनुपात 15, कितना बोलना है एक अनुपात 15, उच्च दक्षता प्राप्त होगी। उच्च क्या मिलेगी, दक्षता मिलेगी एक अनुपात 15 पर, जब पेट्रोल और हवा का मिश्रण कितना होगा एक अनुपात, ये फिक्स है, ये सेम है, कंडीशन में नहीं आ रहा है। लोड वाली पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, एक अनुपात 9 से एक अनुपात 12 बोल सकते हो कि लोड है, लोड कम भी हो सकता है, लोड ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको उच्च दक्षता चाहिए। रासायनिक दृष्टि से सर्वोत्तम चाहिए, रासायनिक दृष्टि से अगर आपको क्या चाहिए सर्वोत्तम चाहिए और उच्च दक्षता चाहिए तो आपका कितना आएगा एक अनुपात 15। अब देखो फोर्थ नंबर आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं उच्च गति की तो उच्च गति पर जो आपकी पेट्रोल हवा का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा एक अनुपात 16 का रहेगा, कितने का रहेगा एक अनुपात 16 का रहेगा। अब आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भाई ये बताइए जो आपका एस आई इंजन है तो एस आई इंजन के अंदर पेट्रोल और हवा की परास कितनी होती है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भाई यहाँ पर जो था ये वाला जो पॉइंट था इसमें इंजन क्या नहीं था, स्टार्ट नहीं था, चल नहीं रहा था। चलना कहाँ से शुरू हुआ एक अनुपात 9 से। तो आप कभी गाड़ी को क्या करते हो, लोड पर भी चलाते हो, लोड पर नहीं चलाते हो तो चढ़ाई वाली पोजिशन आएगी उस पर चलाओगे तो आपका एक अनुपात 9 मिलेगा, ठीक है, एक अनुपात 9 से। और जब आप उच्च गति पर इसे चलाओगे तो आपका कितना आएगा एक अनुपात 16 आ जाएगा। जब आप कितनी कैसी गति पर चलाओगे, उच्च गति पर चलाओगे तो आपका कितना आ जाएगा एक अनुपात 16 आ जाएगा। तो एक अनुपात 9 से एक अनुपात कितना होता है 16 होता है। अगर कोई पूछ दे ऐसे इंजन में पेट्रोल तथा हवा की परास कितनी है तो एक अनुपात 9 से एक अनुपात क्या बोलना है 16 बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं तो अगला पॉइंट हम देखेंगे भाई होता क्या है। हाँ भाई अगला जो पॉइंट है वो हम आने वाली अपनी क्लास में लेंगे, है ना। और यहाँ पर जो हमने आज जो पढ़ा है इसके ऊपर अब जो मंडे को या ट्यूसडे को जो क्लास होगी, मंडे को मैं एक और टॉपिक लेना चाह रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपके फोर स्ट्रोक इंजन के जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। उसके साथ साथ हम क्या लेने वाले हैं, जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2018 में आने लायक वो भी हम लेंगे और इसको हम कंटिन्यू थोड़ा करेंगे हल्का। तो फिर कुल मिलाकर के आज हमने कार्बोरेटर के कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा। आज के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक के साथ साथ चैनल को क्या करें सब्सक्राइब भी करें और ध्यान दें भाई पढ़ाई के ऊपर। रेलवे का अभी इस समय पर बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, रेलवे से जो डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट हैं वो डीजल मैकेनिक की ये क्लास आपके अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हीट इंजन के जो स्टूडेंट हैं, ऑटोमोबाइल से जो स्टूडेंट हैं वो ये क्लास को अटेंड कर सकते हैं। इन सभी ट्रेडों में ऑटोमोबाइल, हीट इंजन और डीजल मैकेनिक इनके अंदर आता है। तो आप इसको पढ़ना क्या करें चालू कर दें। आज के लिए धन्यवाद, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे।